मैं फरिश्ता हूँ। कभी इसमें संकल्प जोड़ दें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे अपनी सर्वशक्तियाँ देकर इस संसार में भेजा है, मैं मैसेंजर फरिश्ता हूँ। इसका अभ्यास आप चलते फिरते, उठते बैठते कहीं भी कर सकते हैं। योग में करें, चलते फिरते करें। फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करने के लिए अपने मन में एक चित्र बनाएंगे, एक विजन देखेंगे, अपने उस स्वरूप को देखेंगे। तो कई तरीके हैं जिससे हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप अपने मन में एक विजन बनाएंगे कि मेरा ये जो शरीर है ये लोप हो गया और ये पूरा शरीर लाइट का शरीर बन गया। मैं आत्मा इस लाइट के शरीर में बैठी हूँ। देखेंगे अपने आप को अच्छी तरह, इसको विजुअलाइज करें और मेरे अंग अंग से लाइट फैल रही है। मैं फरिश्ता हूँ, मैं इतना हल्का हूँ कि उड़कर कहीं भी जा सकता हूँ। मैं बंधन मुक्त हूँ, इस संसार के आकर्षण से परे हूँ। मैं तो यहाँ आया हूँ केवल देने के लिए, लेना कुछ भी नहीं है। नेगेटिविटी और यहाँ की इम्प्योरिटी मुझे नहीं लेनी, यहाँ के वैभवों से मेरा कोई नाता नहीं है। दूसरा अभ्यास आप कर सकते हैं कि अपने सामने अपना एक फरिश्ता स्वरूप डिज़ाइन करें। कैसा हूँ मैं फरिश्ता और कैसा बनना है मुझे। संपूर्ण फरिश्ता, धरती से ऊपर हूँ, आकाश में हूँ, लाइट माइट फैल रही है, ऊपर से परमात्मा शिव बाबा की लाइट पड़ रही है, मैं स्वतंत्र फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास करने के बाद फिर चलें सूक्ष्म लोक में, ये फरिश्तों की दुनिया। फील करें कि मैं अब यहाँ नहीं हूँ, वहाँ हूँ। सामने बाप दादा हैं, बातें करें, दृष्टि लें, वरदान लें। फरिश्ता बनकर इसी तरह अलग अलग जगह जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ सकाश देकर आएं, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अब पहुँच गए कि मान लो अपने लौकिक घर में बाबा की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और मेरे मस्तक से पूरे घर में फैल रही हैं। सकाश दे देंगे वहाँ एक एक को। फिर दूसरी जगह चले जाएं जहाँ आपने कल सेवा की, उन आत्माओं को सकाश दे दें, या जिनसे आप कल मिले उनको सकाश दे दें, जिनको आपने कोर्स कराया उनके पास जाकर उनको सकाश दे दें, उनके सिर पर अपना वरदानी हाथ रख दें। एक तीसरा अभ्यास आप कर सकते हैं कि ये जो स्थूल शरीर है ये अलग हट गया मेरा और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी रह गई। दो शरीर में हैं हम आत्माएं, एक है हमारी जो बाहर की बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक है हमारी जो इंटरनल बॉडी है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, लाइट का शरीर, प्रकाश का शरीर। तो फिजिकल बॉडी अलग हट गई और सूक्ष्म शरीर रह गया और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ। वहीं रूप लाइट माइट फैल रही है, मैं बंधन मुक्त हूँ, उड़कर कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये फरिश्ता स्वरूप के अलग अलग अभ्यास हैं। सारा दिन कर्म में रहते हुए हमें फरिश्ता स्वरूप की स्मृति में रहना है। जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे तब भी याद करेंगे कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मुझसे पवित्रता इसमें जा रही है। कई लोग सोचते हैं कि ये याद करने से क्या हम वाकई में फरिश्ते बन जाएंगे। जिस स्मृति को हम बार बार अपने अंदर लाते हैं वही हमारा स्वरूप बन जाता है। अगर हम बार बार संकल्प करते हैं कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ तो हम पवित्रता के फरिश्ते बन जाएंगे। हमारे से प्योरिटी की वाइब्रेशंस रेडिएट होने लगेंगी, हमारा मन लाइट रहेगा। चाय पीते, खाना खाते, उठते बैठते आप इस स्मृति में रहें, चार पांच बार संकल्प करते रहें कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। जब आप कहीं जा रहे हैं, मान लो सैर कर रहे हैं, आप इस स्मृति में रहो कि मैं फरिश्ता हूँ। आप कहीं घूम रहे हैं, आप इस स्मृति में रहो कि मैं फरिश्ता हूँ। ये स्थूल शरीर तो मैंने यहाँ धारण किया है, मैं तो ऊपर से फरिश्ता स्वरूप में आया हूँ इस संसार को वाइब्रेशंस देने के लिए। अब आप संकल्प करें कि मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मुझसे शांति की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही हैं, मैं पवित्र लोक से यहाँ आया हूँ इस संसार की हर तरह की इम्प्योरिटी को ख़त्म करने और प्योर वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाने। तो इस तरह फरिश्ता स्वरूप की स्मृति द्वारा आप पूरे विश्व में बहुत गुड वाइब्रेशंस, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस, शांति की वाइब्रेशन फैला सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसको ऐसे समझेंगे कि मैं फरिश्ता ऊपर से इसमें प्रवेश किया। क्लियर विजन देखें कि मैं फरिश्ता ऊपर से आ रहा हूँ और आते आते इसमें समा गया। कभी विजन बनाएंगे कि मेरा फरिश्ता स्वरूप सामने है और वो मेरी ओर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वो मुझ में आके समा गया, फिर वो मुझसे निकलकर सामने खड़ा हो गया। इससे संसार के आकर्षणों से हम परे रहने लगते हैं और संपूर्ण पवित्र बनना और शक्तिशाली बनना बहुत ही सरल हो जाता है। हम अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा किसी भी आत्मा को कोई भी संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो पहुँचा सकते हैं। हम किसी की मनोवृत्ति को बदलना चाहते हैं
तो वो भी हम साकार सेवा द्वारा उसको बदल सकते हैं। और जिन्होंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा, दूसरी आत्माओं को भी आपका ये फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होगा, तो मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस स्मृति को बढ़ाते चलो।